हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज है 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @GovernmentNaukri लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा, और वहाँ से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जो हमने 6 अप्रैल के करंट अफेयर्स पढ़े थे, तब लास्ट में आपको जो टेस्ट दिए थे, सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। सो कल का आपका पहला टेस्ट था कि शिकागो की पहली अश्वेत महिला मेयर के रूप में किसे चुना गया। तो उनका नाम है लॉरी लाइटफुट। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बी। और दूसरा टेस्ट था आपका 12वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो 12वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 25 मेडल जीते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ए था। और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लगभग काफी स्टूडेंट्स सही दिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे आज के यानी कि 7 अप्रैल के करंट अफेयर। सो आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज भी लास्ट में आपको दो टेस्ट दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो आज का सबसे पहला करंट अफेयर कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है। तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ना, ये हाल ही में 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। और ये जो दिन है ना, ये हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर ये दिन 2019 में मनाया गया 7 अप्रैल को, इसका थीम याद रखना होगा आपको। बहुत बार बताया कि थीम इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। तो इसका थीम है एवरीवन्स एवरीवेयर हेल्थ फॉर ऑल। और ये दिन 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो देखिए, 7 अप्रैल 1948 में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर कहें विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इस दिन को 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको उद्देश्य भी बता देती हूँ ये दिन क्यों मनाया जाता है। तो दुनिया भर के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और ये दिन पहली बार कब मनाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये दिन पहली बार 1950 में मनाया गया था, 7 अप्रैल 1950 में। WHO के बारे में भी बताती हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म बता चुकी हूँ मैं आपको। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा में है। और WHO के जो हेड है उनका नाम है टेड्रोस एधनॉम। और जो इसकी स्थापना हुई है वो 7 अप्रैल 1948 में हुई है। अब अप्रैल के मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए होंगे वो एक बार रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपको याद रखना है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर कहें उड़ीसा दिवस मनाया गया है। उसके बाद 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। और उसके बाद 3 अप्रैल याद रखना है, तो 3 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया है। उसके बाद 5 अप्रैल याद रखना है, तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। और उसके बाद लास्ट आपको याद रखना है 7 अप्रैल, बता चुकी हूँ आपको, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि आपको नोट करनी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय हृदय रोग सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया। तो जो राष्ट्रीय हृदय रोग सम्मेलन है ना, ये 2019 में लखनऊ में आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किन्होंने किया है, तो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं M.वेंकैया नायडू जी, इन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। और ये जो सम्मेलन है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इस सम्मेलन का जो आयोजन है ना, ये हृदय रोग विभाग के द्वारा किया गया है। और इस सम्मेलन में यूरोप, अमेरिका, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, उसके बाद इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, हार्ट एक्सपर्ट्स, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है जब इस सम्मेलन को ना यूपी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में पहली बार इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में भी बताऊंगी, उत्तर प्रदेश यहाँ पर इसकी कैपिटल लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है रामनिक। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की सीटें 31, विधानसभा सीटें 403। और इसका नेशनल पार्क भी पता चाहिए, तो यूपी का नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, और फोक डांस है रासलीला। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक आए या फिर आए विश्व बैंक, उसके अध्यक्ष बने हैं डेविड माल्पस। ये जो आपका पिक्चर में दिखाई, ये है डेविड माल्पस। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही बात पता चाहिए कि जो डेविड माल्पस है ना, ये 13वें अध्यक्ष बने हैं वर्ल्ड बैंक के। इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले थे जिम योंग किम, जिन्होंने हाल ही में जनवरी 2019 में इस्तीफा दे दिया है। तो इनके इस्तीफा देने के बाद अब डेविड माल्पस ने ये पदभार संभाला है। वर्ल्ड बैंक के बारे में भी आपको बताऊंगी मैं आपको। देखिए, वर्ल्ड बैंक
इसके जो स्थापना है वो 1944 में हुई है, और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है ना वो वाशिंगटन में है, और वर्ल्ड बैंक के जो सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जिवा, और अध्यक्ष का नाम पता लग गया कौन है, डेविड मलपास नए अध्यक्ष। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, तो शाहरुख खान को ये उपाधि दी गई है मानद डॉक्टरेट की उपाधि। ये उपाधि इनको किनके द्वारा दी गई है, तो द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के द्वारा इन्हें ये उपाधि सौंपी गई है। क्यों दी गई है ये भी क्वेश्चन है एक, तो जो शाहरुख खान जी है ये एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है मीर, और इस एनजीओ में जितने भी एसिड अटैक पीड़ित लोग हैं उनकी मदद की जाती है, ठीक है, इसीलिए इन्हें ये उपाधि दी गई है मानद डॉक्टरेट की उपाधि, याद रखना है क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के फेंग गांव को भारत के पहले कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट के रूप में दर्जा दिया गया है, तो उस राज्य का नाम है मणिपुर। देखिए जो फेंग गांव है ना ये मणिपुर राज्य का गांव है, और देखिए ये जो फेंग गांव है ये कहाँ पर स्थित है, तो मणिपुर के अंदर इंफाल के पश्चिम में ये स्थित है गांव, ठीक है, जिसे हाल ही में भारत के पहले कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट के रूप में दर्जा दिया गया है। मणिपुर के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर मणिपुर कैपिटल इंफाल, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, और लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, विधानसभा सीट है 60। इसका फोक डांस है मणिपुरी, नेशनल पार्क है केम्बुल लमजाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक का इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ विलय को मंजूरी दी गई है, तो उस बैंक का नाम है लक्ष्मी विलास बैंक। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के विलय को मंजूरी दी गई है, और इन दोनों कंपनीज के मर्जर के बाद जो नई कंपनी बनेगी उस कंपनी का नाम पता होना चाहिए, तो उस नई कंपनी का नाम है इंडिया बुल्स लक्ष्मी विलास बैंक। यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये भी पता होना चाहिए कि जो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस फर्म है, ठीक है, इम्पोर्टेंट बात ये है आपके लिए। लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में बताती हूँ, इसकी स्थापना हुई 1926 में, हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है, और इसके जो सीईओ है उनका नाम है पर्थ सारथी मुखर्जी, और टैगलाइन भी पता होना चाहिए, तो लक्ष्मी विलास बैंक की टैगलाइन है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रोस्पेरिटी। अब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में नोट कीजिए, इसकी स्थापना 2005 में हुई है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और चेयरमैन है समीर गहलोत। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे फीफा कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है, तो उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। ये जो आपको पिक्चर में कहनी है प्रफुल्ल पटेल जी, जो कि हाल ही में फीफा कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए हैं, और ये प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, तो प्रफुल्ल पटेल जी प्रेजेंट में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, और जो प्रफुल्ल पटेल जी है ना ये फीफा के कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, फीफा के बारे में बताते हैं, इसकी फुल फॉर्म है द फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के अंदर ज्यूरिच में है, और इसकी स्थापना हुई है 21 मई 1904 में, और इसके प्रेजिडेंट है ज्ञानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को ग्लोबल स्लैग अवार्ड दिया गया है, उस कंपनी का नाम है टाटा स्टील। हाल ही में टाटा स्टील कंपनी को ग्लोबल स्लैग अवार्ड दिया गया। टाटा स्टील के बारे में पता होना, टाटा स्टील इसकी स्थापना हुई 25 अगस्त 1907 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, और इसके सीईओ हैं टीवी नरेंद्र, और फाउंडर हैं इसके जमशेद जी टाटा, और चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी टाटा स्टील से रिलेटेड जो कि आपको नोट करनी है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर से आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं, तो उनका नाम है रसिक सलामदार। ये जो आपको पिक्चर मिल गई है रसिक सलामदार जी, जो कि हाल ही में जम्मू कश्मीर से दूसरे खिलाड़ी बने हैं आईपीएल में खेलने वाले। अब आपके माइंड में क्वेश्चन तो ये अराइज हो रहा होगा कि पहले खिलाड़ी कौन थे फिर, तो पहले खिलाड़ी थे परवेज रसूल, अब दूसरे बने हैं रसिक सलामदार, और ये किस टीम से खेल रहे हैं आईपीएल में, तो मुंबई इंडियंस टीम से ये खेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आएंगे तो जम्मू कश्मीर के बारे में नोट करेंगे, यहाँ पर जम्मू कश्मीर कैपिटल श्रीनगर, गवर्नर सत्यपाल मलिक, और जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा की सीटें 6, राज्यसभा की सीटें 4, विधानसभा की सीटें 87। फोक डांस है
ढूमर और कूट डांस, और नेशनल पार्क है द चिंगम नेशनल पार्क। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है। तो उसे सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम है चेन्नई। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हाल ही में क्या करा गया ये भी आपको पता नहीं चाहिए। तो इसका नाम बदल कर पुरेजी थलाइवर डॉक्टर एम जी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। याद रख लीजिए इसका नाम, ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा गया है, इसका नाम नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो आपका आंसर होगा पुरेची थलाइवर डॉक्टर एम जी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अब ये डॉक्टर एम जी रामचंद्रन का यहाँ पर नाम आया, तो ये कौन थे? तो डॉक्टर एम जी रामचंद्रन ये तमिलनाडु राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ये ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कंडगम के संस्थापक भी हैं। और देखिए ये जो आपको पिक्चर दिखाई रही है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, चेन्नई के बारे में आपको पता होना चाहिए। चेन्नई देखिए तमिलनाडु की कैपिटल है, चेन्नई यहाँ पर तमिलनाडु जैसी कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर इसका एडापड़ी के पलानीस्वामी, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित जी, लोकसभा सीटें 39, राज्यसभा सीटें 18, विधानसभा सीटें 234। और इसका फोक डांस है भरतनाट्यम और नेशनल पार्क है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मुंबई हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो उनका नाम है जस्टिस प्रदीप नंदराजोग, जो पिक्चर में दिखा रही है प्रदीप नंदराजोग जी, जो कि हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और इन्हें इनके पद की शपथ किन्होंने दिलाई है? तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं सी विद्यासागर राव जी, उन्होंने प्रदीप नंदराजोग को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये पता होनी चाहिए कि जो प्रदीप नंदराजोग जी है ना, ये इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जो कि अब मुंबई हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। और इन्होंने किनकी जगह ली है, यानी कि इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे हरीशचंद्र पाटिल, हरीशचंद्र पाटिल की जगह पर अब नियुक्त हुए हैं प्रदीप नंदराजोग। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले कि जो टीवी राधा कृष्णन है ना, इन्हें हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाया गया, ये भी याद रखना है आपको। मुंबई आप लोगों को पता ही है कि महाराष्ट्र की कैपिटल है ना, यहाँ पर है महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है सी विद्यासागर राव। और महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा सीटें 48, राज्यसभा सीटें 19, विधानसभा सीटें 288। इसका फोक डांस है पवारी नाच और नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क और तधोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। आज का आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में अमल कलोनी को किस देश की विशेष मीडिया दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो अमल कलोनी जी है ना, ये हाल ही में ब्रिटेन की विशेष मीडिया दूत के रूप में नियुक्त हुई है। ब्रिटेन के बारे में पता नहीं, यहाँ पर ब्रिटेन या फिर कहीं यूनाइटेड किंगडम, कैपिटल लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, और ये थे आपके 7 अप्रैल के करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि लास्ट में आपको टेस्ट दिया जाएगा, तो आपका टेस्ट है कि फीफा के द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर है, उस देश का नाम बताना है इन चार ऑप्शन में से आपको। और दूसरा टेस्ट है आपका कि दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिकल कार चार्जिंग स्टेशन किस देश में स्थापित किया गया, वो भी बताना है इन चार ऑप्शन में से। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।